योजना क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या है दो व्यक्तियों का, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, एक अगर राज्य के बाहर भी नौकरी पेशा बताए गए हैं तो उसकी भी तथ्यात्मक जांच कर लेनी आवश्यक होगी, और उनकी कैसी हिस्ट्री रही है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा, सभी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल पटना पुलिस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके मंसूबे क्या थे इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार हैं। कल जिस तरीके से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तो अनुसंधान होगा, क्या कुछ बातें सामने निकल के आई हैं? पटना पुलिस द्वारा शहरी क्षेत्र में फुलवाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, विभिन्न टीम उस पर काम कर रही है, और उनके पास से पोस्टर बैनर दस्तावेज, उनका एक कार्यालय चलता था वहाँ पे, और PFI का दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है, दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद होने की सूचना है। अभी उनका अनुसंधान किया जाएगा, तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा, साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा, जो दो अभियुक्त पकड़े गए उनसे पूछताछ भी की जाएगी, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही पूरे मामले पर यह खुलासा हो सकेगा कि उनका मकसद क्या था, क्या कार्रवाई वो करना चाहते थे, आगे की कार्ययोजना क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या है दो व्यक्तियों का, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, एक अगर राज्य के बाहर भी नौकरी पेशा बताए गए हैं तो उसकी भी तथ्यात्मक जांच कर लेनी आवश्यक होगी, और उनकी कैसी हिस्ट्री रही है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा, सभी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन होने के उपरांत जब आगे और भी कार्रवाई बढ़ेगी तो एक मामला एक शेप लेगा, अभी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर इंडिकेट कर पाना मुश्किल होगा। अभी प्रारंभिक स्तर पर ही जांच हुई है, लेकिन एक गंभीर धाराओं में कांड दर्ज हो गया है, गंभीरता से पुलिस टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। देश विरोधी गतिविधि की बात है तो कौन कौन सी जो मुख्य धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी? देखिए 121 और 153A धाराओं में कांड दर्ज हुआ है, उसके अलावा षड्यंत्र की जो धारा है 120B उसमें भी कांड दर्ज किया गया। तीनों धाराएं अपने आप में गंभीर हैं और इनका डायमेंशंस बहुत बड़ा है। षड्यंत्र का डायमेंशन अपने आप में बहुत बड़ा है, दो कम्युनिटी के बीच में वैमनस्यता फैलाना, दुश्मनी फैलाना, वो धाराएं भी लगी हैं। तो कुल मिला के जो गंभीर धाराएं हैं उस पर कांड दर्ज हुआ है, वरीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपने भी कहा कि एक व्यक्ति जो था मोहम्मद जलालुद्दीन, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो झारखंड में दरोगा के पोस्ट पर था, तो लगता है कि हाँ बिहार पुलिस अब थोड़ी झारखंड पुलिस में सहयोग लेगी इस मामले में, तहकीकात होगी तब। अनुसंधान के क्रम में जिस ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति संबंध रखते हैं, जहाँ पे काम किए हैं या जहाँ जहाँ वो रहे हैं, वो सारे अनुसंधान के विषय रहते हैं, और अनुसंधान के विषय में हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे। उनके मोबाइल फ़ोन की जब जांच होगी तो उससे कांटेक्ट भी आएगा कि उनके साथ में क्या चीज़ें शेयर हुई, वो पूरा एक नेटवर्क अनुसंधान के बाद ही शामिल हो पाएगा, सामने आ पाएगा। तो अभी हम हर एक तथ्य को पहले अनुसंधान में ला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि गंभीर धाराओं में कांड दर्ज कर दिया गया, वैधानिक प्रक्रिया चालू हो गई है, कानून की अब एक स्पीड आ गई है सामने। तो अब इस पे जैसे ही आगे और भी पूछताछ होगी, तथ्य सामने आएंगे, सच सामने आएंगे, तो और भी स्थिति सामने आएगी। एक अंतिम सवाल है, अभी श्रावण का मेला शुरू होने वाला है, श्रावण मास आ चुका है, आज से शुरू हो चुका है, तो लगता है कि हाँ भीड़ भाड़ वाले जगहों पर एक कुछ करने की इरादा था, क्योंकि आपने अभी कहा कि हाँ अनुसंधान होगा, तो इन सब बारे में भी जानकारी ली जाएगी आम लोगों को? देखिए जहाँ तक सावन मेले की बात है, हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है, और पिछले दो वर्षों में कोविड संक्रमण के बाद ये सावन का इस पूरा महीना इस बार ज़्यादा भीड़ भाड़ का रहेगा, ऐसी हम लोगों की आकलन है। उस आकलन के अनुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा वरीय पदाधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है डिफरेंट इलाकों में, जहाँ जहाँ मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है पुलिस पदाधिकारियों को डिपुट कर दिया गया, लाठी बल, महिला बल, सशस्त्र पुलिस को भी डिपुट कर दिया गया, बिहार सरकार गृह रक्षक जो हैं उनको भी डिपुट कर दिया गया। तो जहां तक सावन मेला की सुरक्षा की बात है, हम लोगों ने इंतजाम कर दिए। इस केस का सावन मेला से कोई लिंक है नहीं है, अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दी स्पेकुलेशन ही होगा, अभी इस पर कोई तथ्यात्मक न तो मेरे पास में कोई डेटा है, न ही कोई सूचना है, लेकिन कांड चूंकि दर्ज हो गया तो हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। देखिए सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है, डीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार हमारे साथ थे, उन्होंने क्या कुछ बताया है, और अब आने वाले समय में जब अनुसंधान होगा, मामला आगे बढ़ेगा, तो फिर बातें सामने निकल के आएंगे कि आखिर मंसूबा क्या था, क्या क्या एजेंडेज थे उनके, जिस पर
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल तो पूर्ण विराम लगा दिया है। अब आगे और कौन कौन से लोग पकड़े जाएंगे उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।